हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्गी के इंट्रोडक्शन के बारे में कि एल्गी क्या है, इसके सेलियंट फीचर्स क्या है, इसके बारे में हम जनरली देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्गी क्या है। देखिए, एल्गी एक्चुअल में हम क्या कह सकते हैं, एल्गी भी एक प्रकार के जीव हैं। अब कैसे जीव है आपको पता है, व्हिटेकर ने सभी जीवों को 5 किंगडम में डिवाइड किया था और उनमें से एक किंगडम था प्लांटी, और प्लांटी में रखा गया है एल्गी को, जो भी सारे प्लांट्स हैं उनमें रखा गया है। तो एल्गी भी एक प्रकार का प्लांट है, हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का प्लांट है। और कौन से प्लांट है, सबसे लोअर प्लांट है। यदि हम डेवलपमेंट या इवोल्यूशन के आधार पर देखें तो कैसे प्लांट है, लोअर, सबसे लोअर प्लांट है। तो इनको एक ग्रुप में रखा गया है थेलोफाइटा में। यानी थेलोफाइटा में क्यों रखा गया है, क्योंकि इनके में रूट, स्टेम और लीव्स जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देती है, इसलिए इनको थेलोफाइटा में रखा गया है। अब एल्गी आप सामान्य तौर पर आपने सभी ने देखे होगी, जैसे पानी में आपको जमे हुए पानी में दिख जाती है ग्रीन कलर की जो होती है, वो क्या होता है, जालनुमा भाग होता है, वो मोस्टली एल्गी होती है। अब एल्गी क्या कैसी दिखाई देती है, हमें ग्रीन दिखाई देती है, इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसका मतलब ये ऑटोट्रॉपिक होती है, अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं। तो एल्गी आर क्लोरोफिल वेयरिंग थेलोफाइट्स इन विच दिस सेक्स ऑर्गन्स आर विद यूनिसेलर और मल्टी सेलर एंड नॉट प्रेजेंटेड बाई स्टेराइल एनवलप। तो ये देखिए, सबसे लोअर प्लांट इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता, मतलब कोई एक्स्ट्रा कवर के द्वारा ये ढके नहीं होते इनके। तो एक सेल या दो सेल के द्वारा ये बने होते हैं, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब एल्गी जो टर्म आया है वो एक लैटिन टर्म से बना है, एल्गा। एल्गा का मतलब होता है सी वीड्स। क्या है, सी वीड यानी समुद्री खरपतवार। तो ज़्यादातर समुद्रों में ये पानी वाले भागों में पाए जाते हैं, एक्वेटिक नेचर इसका होता है या मॉइस्ट नेचर में पाई जाती है। कैन एबल टू प्रोड्यूस मेनी काल सेक्स। अब ये बहुत सारे सेक्स ऑर्गन यहाँ पर ये मेनी सेल्ड सेक्स ऑर्गन भी प्रोड्यूस कर सकती है। नो स्टेराइल सेल इन इन सेक्स ऑर्गन एक्सेप्ट कारा। कारा के अपवाद, एक कारा एक एग्जाम्पल है एल्गी का, इसका अपवाद छोड़ दे तो इसके अलावा जितने भी एल्गी होते हैं उनमें यहाँ पर सेक्स ऑर्गन के ऊपर स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता है, सिर्फ कारा में इस प्रकार का स्टेराइल जैकेट देखने को मिलता है। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करें कि जो एल्गी की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, या तो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, या तो एल्गोलॉजी या बोलते हैं या फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी टर्म भी देखिए, फाइकोस से लिया गया है, फाइकोस का मतलब भी वही होता है, सी वीड यानी समुद्री खरपतवार। जो इनका नाम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था लीनियस के द्वारा 1754 में किया था, जब इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। एल्गी वर्ड जिसका अर्थ है फाइकोस, चाइनीज में इसको सौ कहते हैं, हवाई में लीमू कहते हैं, रोमन में फ्यूकस कहते हैं, तमिल में फेसिगल कहते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम इसके रहते हैं। अब सेलियंट फीचर्स की बात करें हम, तो ज़्यादातर यदि आप एल्गी को देखना चाहोगे तो कहाँ पर दिखेगी आपको, मॉइस्ट और एक्वेटिक हैबिटेट में ये दिखाई देगी। इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यदि वाटर बहुत ज़्यादा नहीं है तो कम से कम वहाँ पर नम जगह ज़रूर होनी चाहिए, वहीं पर ये एल्गी उत्पन्न हो सकती है। कैसी होती है, यदि इनकी बॉडी देखें हम तो यूनिसेलुलर, या तो एक कोशिकीय होती है और या मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। प्लांट बॉडी इज थैलोइड। कैसी होती है, थैलोइड यानी थैलस की। थैलस का मतलब इनकी बॉडी में कोई यहाँ पर हमें रूट, स्टेम और लीव्स जैसी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन क्रोमेटोफोर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनकी सेल में प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और इसके साथ साथ दूसरे पिगमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, क्रोमेटोफोर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसका मतलब ये कैसी है, ऑटोट्रॉपिक है, अपना भोजन स्वयं बना सकती है। सेल्स में भी यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। सेल्स इनकी कैसी हो सकती है, या तो इनके सेल्स में एक न्यूक्लियस पाया जा सकता है, और कुछ एल्गी ऐसी होती है जिनके सेल में यहाँ पर एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वो चेरिया कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट जिसमें कंडीशन पाई जाती है। सेल वॉल रिच इन सेलुलोज। सेलुलोज इनकी जो सेल वॉल की बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज इनमें मेन कॉन्स्टिट्यूट पाया जाता है।
सेल्स मोटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला और सीलिया। सेल्स कैसी रहती हैं इनकी? मोटाइल रहती है, यानी यदि यूनिसेलुलर है तो वो अपना मतलब मूवमेंट कर सकती हैं। इनके ऊपर एक सेल के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिससे वो मोटाइल यानी गतिहीन गति कर सकती है। इसके बाद में इनमें जो रिजर्व फूड पाया जाता है यानी जो इनमें भोजन संग्रहित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, जैसे सभी प्लांट्स में होता है इनमें भी स्टार्च के रूप में होता है। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन कैसा कर सकता है? तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन ये कर सकती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन ये कर सकती है। जो प्रिमिटिव एल्गी होती है उनमें तो ज़्यादातर वेजिटेटिव मेथड से ही रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन हायर फॉर्म जो होती है उनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो इनमें मोटाइल जू स्पोर बनते हैं जो गति कर सकते हैं, जिनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्पोर इनमें बनते हैं। इन यूनिसेलुलर एंटायर ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ए गैमेट्स। यहाँ पर देखिए जब एक कोश की एल्गी रहती है उनमें पूरा का पूरा जो बोर्ड प्लांट बॉडी है यानी एक कोश की है तो पूरा का पूरा एज ए गैमेट काम एज ए गैमेट के जैसे कार्य करती है। इन मल्टीसेलुलर जो एल्गी होती है गैमेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर गैमेटेंजियम, तो उनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको गैमेटेंजियम कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट नहीं होता, उसके द्वारा क्या किए जाते हैं गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं मल्टीसेलुलर जो एल्गी होती है। नेक्स्ट देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इनमें अलग अलग प्रकार का होता है, तीन प्रकार का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। आइसोगेमस क्या होता है? आइसोगेमस मतलब समान दोनों जो गैमेट्स होंगे बिल्कुल बाहर से दिखने में समान होंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फिर एनाइसोगेमस में देखें तो फीमेल इसमें जो गैमेट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और मेल गैमेट छोटा होता है और दोनों ही मोटाइल होते हैं, और इसमें भी दोनों मोटाइल है और इसमें भी दोनों मोटाइल है। फिर देखें ऊगेमस टाइप का जो होता है उसमें जो मेल गैमेट होता है वो तो एग होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो स्पर्म या एंथ्रेजोइड भी हम इसको बोलते हैं। जायगोट्स डेवलप ए थिक वॉल टू फॉर्म ए ऊस्पोर, जब इनमें जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट के ऊपर एक मोटी वॉल का निर्माण हो जाता है, इसलिए हम इसको ऊस्पोर बोलते हैं। लाइफ फॉर्म इसमें आइसोमॉर्फिक भी हो सकती है और हेटेरोमॉर्फिक भी हो सकती है, मतलब अलग अलग लाइफ फॉर्म में से होकर ये गुजर सकते हैं। फिर बात करें लाइफ साइकिल, इसमें लाइफ साइकिल देखिए हैप्लोन्टिक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अलग अलग प्रकार का इसमें पाया जाता है, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, डिप्लोहैप्लोन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक एंड डिप्लोबायोन्टिक, ये सारे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें पाए जाते हैं। तो इनके बारे में और आगे स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक इसमें लेंगे, हम देखेंगे कि हैबिटाट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी एल्गी होती है, अलग अलग हैबिटाट में पाए जाते हैं उनके एग्जांपल भी देखेंगे कौन कौन सी होती है, क्या क्या टर्म यूज़ में लिए जाते हैं, किस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन होता है, उनके अलग अलग लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे एल्गी का, इनमें लास्ट में हम यहाँ पर अलग वीडियो लेक्चर में इसका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो भी हम देखने वाले अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में। तो इस वीडियो में फिलहाल हम यहाँ तक इसका जनरल इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि अभी भी कोई डाउट रह रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।